Hello dear students, welcome to the current affairs class of Study Just, the world of educational solutions. आज मैं डिस्कस करूंगी जो वीकली करंट अफेयर्स हैं जो कि डेटेड 23rd से लेके 27th जुलाई 2020 तक का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में मैं बात करूंगी. जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं आज थोड़ा डिस्कस करूंगी. एंड स्पेशली जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा जोर डालने की कोशिश करूंगी. बट बिफोर मूविंग ऑन विद टूडेज क्लास आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थ्रू विच यू कैन कनेक्ट विद अस. सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड हो. Like us on Facebook page, join our Telegram channel, follow us on Instagram and join our WhatsApp community using the number given below. And for more information, you can log in to the website www.studyjust.in. जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो YouTube चैनल है वो ऐसा दिखता है. सब्सक्राइब कीजिए Study Just Competitive में एंड प्रेस द बेल आइकन एंड वी प्रॉमिस टू गिव यू मोर रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट. अभी बहुत एग्जाम्स आने वाले हैं एंड कीप एन आई फॉर आवर वीडियोस. एंड दिस इज हाउ आवर फेसबुक पेज लुक्स लाइक. शो अस सम लव बाय hitting the like button on Facebook and we will update the daily current affairs. Daily ka daily jo hota hai wo update hote rehta hai, so keep an eye for that also. Now let us move on to the current affairs. To aaj main jo discuss karungi wo hai 23rd July se leke 27 July tak ka जो नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सब के बारे में मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ. तो पहले देख लेते हैं नेशनल न्यूज़ में क्या है. इंडिया एंड मालदीव साइन अग्रीमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इन कैपिटल माले. ओके, सो हियर बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स आ जा रहे हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि इंडिया किसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है. मालदीव्स के साथ. कहाँ पे ये होगा? मालदीव्स का जो कैपिटल है माले वहां पे होगा. किसके लिए होगा? इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, तो क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अग्रीमेंट साइन किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ऑफ मालदीव्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट. इसको मालदीव्स के भाषा में बोला जाता है बा अटोल धाराबंधु हॉस्पिटल इन माले. ठीक है, ये मालदीव्स में है एंड इस हॉस्पिटल में बा अटोल धाराबंधु हॉस्पिटल जो है, जो मालदीव्स के भाषा में इसका नाम है, तो यहाँ पे ये इमरजेंसी सर्विस मिलेगा एंड इसके लिए इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया हैज बीन रैंक्ड अमंग द 10 वर्स्ट कंट्रीज फॉर वर्किंग पीपल. ओके, ITUC ग्लोबल राइट्स के इंडेक्स 2020 के अनुसार तो इंडिया का जो रैंक है दैट इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस. ओके, सो क्या देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है. इन अकॉर्डिंग्स विद द 7th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन, यहाँ पे ITUC, हमको क्या जानना है यहाँ पे ITUC का फुल फॉर्म क्या है वो हमें जानना है. ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन इज द नेम. एंड इसका जो ग्लोबल इंडेक्स, ग्लोबल राइट्स इंडेक्स है जो कि ये 7th एडिशन है, उसके अनुसार इंडिया ने 10th रैंक किया है एज द वर्स्ट कंट्री टू वर्क इन. ठीक है, तो फॉर वर्कर्स इंडिया बिकेम द न्यू रैंक इन द 10 वर्स्ट कंट्रीज फॉर वर्किंग पीपल. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन रीजन दिया गया है वो है नो गारंटी ऑफ राइट्स फॉर द वर्कर्स. यहाँ पे बोला गया है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो लोग एम्प्लॉय के राइट्स को नहीं देखते हैं. सो दैट्स वाई यहाँ का वर्किंग सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है एंड दैट्स वाई इंडिया हैज रैंक्ड 10th. ओके, नॉट अ वेरी गुड न्यूज फॉर एनी ऑफ अस.
नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने टाई अप किया है आईआईटी रूपार के साथ, किस लिए? फॉर स्किल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने बोला है कि ये जो पहले ही स्टार्टअप इंडिया था, इनिशिएटिव जो था पीएम मोदी ने घोषित किया था, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब एस्पेक्ट है, ठीक है? तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड मोस्टली फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, नए जो बिजनेसमैन हैं उनको बढ़ावा देने के लिए या फिर यंग स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत सारे लॉन्च किए गए हैं, कभी सेंट्रल बेसिस में, कभी स्टेट बेसिस में। अभी जो है ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, आईआईटी रोपार के साथ टाई अप किया है, एंड अभी का जो कोविड क्राइसिस का सिचुएशन है इसको संभालने के लिए ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको मतलब लॉन्च किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनका स्किल डेवलपमेंट हो एंड उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है? सो द आईआईटी टेक्निकल एडुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो एडुकेशन मेंटर बनेंगे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कहाँ पे? गुरदासपुर, फिरोजपुर, श्री गुरु गोबिंद सिंह स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ चमकुर साहिब एंड 5 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंड 10 गवर्नमेंट आईआईटीज। तो यहाँ यहाँ पे ये जो जगह मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे ये सुविधा मिलने वाला है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का सुविधा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ATGM ध्रुवास्त्र, ठीक है? द फ्लाइट टेस्ट वेर कंडक्टेड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। कहाँ पे है हमारा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज? चंडीपुर एंड उड़ीसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है बहुत, कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है दैट इज इन चंडीपुर इन उड़ीसा, वहां से ये टेस्ट फायर किए गए थे। ध्रुवास्त्र नाम है, जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका मतलब इसी को ATGM बोला जाता है। तो हमको क्या मिला यहाँ पे कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहाँ पर है, ATGM का फुल फॉर्म क्या है एंड कौन सा ATGM है, नेम है ध्रुवास्त्र, ठीक है? लॉन्च किया गया है बाय द DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये हेलीकॉप्टर वर्जन है, नाग हेलिना जो है उसका हेलीकॉप्टर वर्जन है ATGM, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, होम मिनिस्टर टू लॉन्च वृक्षारोपण अभियान इन न्यू दिल्ली। कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में होगा वृक्षारोपण अभियान। सो इससे क्या होगा, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जो है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कोल के साथ मिलके ये ऑर्गेनाइज किया है इन ऑर्डर टू प्लांट ट्रीज, ठीक है? न्यू दिल्ली में वैसे ही बहुत पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, आप जानती हैं कि वहां का मतलब यू कांट इवन सी द फेसेस ऑफ पीपल इन द वर्स्ट कंडीशन। अभी तो वैसे लॉकडाउन के बाद पॉल्यूशन कम हो गया है, लेकिन दिल्ली का जो पॉल्यूशन प्रॉब्लम है वो बहुत है, तो इसीलिए वृक्षारोपण अभियान एक बहुत मायने रखने वाला है न्यू दिल्ली के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम मोदी एड्रेस्ड वर्चुअल इंडिया आइडियाज समिट 2020, इंडिया यूएस नेगोशिएटिंग UAV को डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या देखना है हमें, ये UAV डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, ठीक है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिलीवर किया है एक एड्रेस, मतलब कि एक लेक्चर उन्होंने दिया है। ये जो 2 दिन का 2 डेज का जो इंडिया आइडियाज समिट है 2020 का, उसमें वर्चुअली उन्होंने एक लेक्चर दिया है कि वो जिसको होस्ट किया था US बिजनेस इंडिया काउंसिल USIBC ने अंडर द थीम बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, ठीक है? तो बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर ये था थीम इस साल का, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया टू हैव 60% रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 एज सेट बाय RK सिंह एट एन वेबिनार ऑन एनर्जी ट्रांजिशन। इट्स अ वेरी गुड न्यूज, एनर्जी ट्रांजिशन एट द सेकेंड प्री इवेंट होस्टेड बाय द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट सस्टेनेबल समिट है, जिसको WSDS बोला जा रहा है 2020 में, उसमें एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन
कोलैबोरेशन हुआ है इन दोनों के बीच में, एंड बोला गया है कि बाय 2030 60% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में यूज किया जाएगा, विच इज अ वेरी गुड न्यूज. नेक्स्ट देखते हैं, जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च्ड रीस्ट्रक्चर स्कीम फॉर पीएम्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 2020 एंड वेब पोर्टल वर्चुअली. तो जितेंद्र सिंह जो है, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस, पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, लॉन्च्ड द रीस्ट्रक्चर्ड स्कीम फॉर पीएम्स अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे काम के लिए जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनका ही एक रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने. मतलब कुछ उसमें मतलब रिफॉर्म्स लाए गए हैं, कुछ ठीक किया गया है, कुछ हटा दिया गया है. बेसिकली उसको चेंज कुछ चेंजेस लाए गए हैं, एंड रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन जो है उसको www.pmaawards.gov.in पोर्टल के थ्रू से इसको लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट देखते हैं, द नेवीज लार्जेस्ट सोलर प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड एट IIT एजीमाला. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि कहाँ पे नेवी का सबसे बड़ा सोलर पॉइंट है, दैट इज INA इन एजीमाला. ठीक है, दिस प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव ऑफ नेशनल सोशल मिशन. ठीक है, टू अचीव 100 GW ऑफ सोलर पावर बाय 2022. जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी देने का अश्योरेंस दिया गया है बाय 2030, तो उसी का आप बोल सकते हैं एक स्टेप फॉरवर्ड ये है कि ये इनॉग्रेशन जो किया गया है सोलर प्लांट, नेवी का सोलर प्लांट, बिगेस्ट सोलर प्लांट इन एजीमाला. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ₹8,767 crore अप्रूव्ड फॉर 81 प्रोजेक्ट्स अंडर द स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड 1. ये जो है, यहाँ पे आपको आंकड़ा जो डेटा है 8767 crore, ये आपको रिमेम्बर रखना है. एंड ये जो 81 प्रोजेक्ट्स के लिए है, मतलब किसके लिए ये रुपया दिया जा रहा है, ये अमाउंट है किसके लिए दिया जा रहा है, फॉर स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट. ओके, एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन इन्फॉर्म्ड दैट सो फार ₹8,767 crore हैज बीन अप्रूव्ड फॉर 81 प्रोजेक्ट्स अंडर दिस स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड. ये जो स्वामी है, यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा. तो तीन चीजें हैं, कितने प्रोजेक्ट हुए हैं, ठीक है, कितना मतलब रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है, एंड स्वामी का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग. नेक्स्ट देखते हैं, एप्सेस हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पोर्ट एंड 7th पोर्ट ग्लोबली टू साइन अप फॉर द साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव. अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो एप्सेस का फुल फॉर्म है, ये हमें याद रखना है. यहाँ पे ये फर्स्ट इंडियन पोर्ट बना है एंड वर्ल्ड में 7th पोर्ट बना है जिसने साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव साइन किया है, SBTI ने साइन किया है. नेक्स्ट देखते हैं, HRD मिनिस्ट्री कंडक्ट्स द फर्स्ट एवर इनसैट टेस्ट इन 2020 अंडर द स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम. बहुत इंपॉर्टेंट एक ये प्रोजेक्ट है जो किया गया है, दैट इज इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट INDSAT, इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट इसको बोला जाता है, टेस्ट 2020 एग्जाम फॉर एडमिशन्स एंड ग्रांटिंग स्कॉलरशिप्स फॉर सिलेक्टिव इंडियन यूनिवर्सिटीज फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स. मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज में फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में पढ़ना ज़्यादा सुविधाजनक कर दिया जाएगा ये जो इनसेट टेस्ट है इसके द्वारा. नेक्स्ट देखा जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, स्प्रिंग प्रोजेक्ट इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन पार्टनर्ड टू प्यूरिफाई सीवेज वाटर इन गंगा एंड गोदावरी रिवर्स. वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
the IIT, the BHU, Banaras Hindu University, to develop biotechnology based water treatment system for the purification of sewage water flowing into rivers Ganga and Godavari through the spring project. यहाँ पे क्या याद रखना है कि कौन से दो educational institutions IIT and BHU यहाँ पे involved है and project का नाम क्या है spring and यहाँ पे कौन कौन से देश यहाँ पे मौजूद है European Union एंड इंडिया ठीक है फॉर गंगा एंड गोदावरी रिवर जो है वहां पे जो सुएज का वाटर गिरता है उनके प्यूरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट देखते हैं एक्टर सोनू सूद अनवेल्स प्रवासी रोजगार यो ऐप फॉर माइग्रेंट वर्कर्स तो आप लोग जानते हैं कि ही हैज बीन द सोनू सूद एक्टर हैज बीन द रियल लाइफ हीरो इन केस ऑफ सेविंग द माइग्रेंट वर्कर्स ठीक है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए श्रमिकों के लिए उन्होंने जो किया है पर्सनली उन्होंने बस का इंतजाम किया है ताकि वो लोग सही से सही अपने जगह पे वापस आ सके तो एक्टर सोनू सूद ने अभी प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च किया है ताकि ये जो माइग्रेंट श्रमिक है इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज मिले ठीक है बहुत ही एक उम्दा इनिशिएटिव है ये नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन अटेंड्स शंघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पे हो रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग ये जो हेल्थ मिनिस्टर का मीटिंग है ये कहाँ पे हो रहा है शंघाई कोऑपरेशन शंघाई में हो रहा है ठीक है एंड ये जो मीट है यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन ने बोला है कि कैसे इंडिया ने कोविड से लड़ने के लिए हाई अमाउंट ऑफ अलर्टनेस जारी किया है फिर देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इशू सर्टिफिकेट ऑफ जीआई रजिस्ट्रेशन मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसके लिए कश्मीर में जो सैफ्रॉन जिसको बोला जाता है जाफरान जो होता है उसके लिए बोला गया है कि उनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा ये उनको हेल्प करेंगे कि वहाँ पे जो फार्मर्स हैं जो सैफ्रॉन उगाते हैं उन फार्मर्स को एक्सपोर्ट के लिए जो पैसा मिलता है वो सही पैसा मिलेगा नेक्स्ट देखते हैं अमित शाह डिस्ट्रीब्यूटेड 100 इलेक्ट्रिक पावर व्हील्स अंडर KVIC's कुमार सशक्तिकरण योजना ये योजना जो है इसका नाम हमें याद रखना है ये योजना आता है कम्युनिटी ऑफ इंडिया ट्रायल टू बिकम आत्मनिर्भर द यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह डिस्ट्रीब्यूटेड 100 इलेक्ट्रिक पावर पॉटर व्हील्स 200 ट्रेन्ड आर्टिसंस अंडर द कुमार सशक्तिकरण योजना ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो कि KVIC के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 16 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसका प्राइस है 5,137 करोड़ फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन तो तमिलनाडु गवर्नमेंट में ये जो 16 MOUs है इनका वर्थ आपको याद रखना पड़ेगा एंड किस स्टेट में हुआ है किस कारण हुआ है दैट इज फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एंड ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल इंडिया ने बिल्ड किया है जहाँ पे डबल स्टैक कंटेनर्स होने वाले हैं एंड ये जो है ये कट मतलब ये जो टनल है ये कहाँ पे है आरावली माउंटेन को कट करके जाता है ऑन द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर ये है हरियाणा में ठीक है एंड इसको इम्प्लीमेंट किया है DFCCIL ने जिसका फुल फॉर्म हमें याद रखना होगा यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं अनदर फर्स्ट बाय इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट हनी टेस्टिंग लैब इनॉग्रेटेड बाय श्री नरेंद्र सिंह तोमर इन गुजरात कहाँ पे हुआ है गुजरात में हुआ है ये किसने एस्टैब्लिश किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB ने इसको एस्टैब्लिश किया है कहाँ पे आनंद में जो कि गुजरात में है नेक्स्ट देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट GC मुर्मू जो है
उन्होंने अनाउंस किया है मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम है ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो रास्ते हैं जम्मू एंड कश्मीर में उसको अच्छे करने के लिए, उनका क्वालिटी बेटर करने के लिए ये किया जाएगा। ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर ऑफ रोड्स में ये प्रोग्राम जो है ये लागू होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हैदराबाद रैंक 16th इन वर्ल्ड्स मोस्ट सर्वेड सिटीज एंड चाइना टॉप्स अकॉर्डिंग टू कंपैरिटेक। यहाँ पे हैदराबाद जो है, हैदराबाद में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी से सर्वेलेंस किया जाता है, इसीलिए हैदराबाद को इंडिया में टॉप प्लेस में रखा गया है। ऑन द अदर हैंड चाइना, ग्लोबली चाइना को फर्स्ट प्लेस मिला है एज द मोस्ट सर्वेल्ड सिटी। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया रैंक्ड थर्ड इन गेनिंग फॉरेस्ट एरिया इन वर्ल्ड एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेस्ट्री लैंड इन इंडिया बाय FAO। यहाँ पे क्या हमें याद रखना होगा कि FRA का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट, जिसके अनुसार इंडिया का रैंक हुआ है थर्ड। एंड यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस भी इनसे जुड़े हुए हैं, मतलब ये जो रैंकिंग हुआ है इसमें यूनाइटेड नेशंस का भी हाथ है। तो इसमें 10 कंट्रीज को चुना गया था जिसमें इंडिया का रैंक है थर्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज की ओर। इंटरनेशनल न्यूज में पहला जो इम्पॉर्टेंट है, इंडिया एंड मालदीव्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गेडुशू मास प्लांट इन मालदीव्स माराडू एंड हुलहुडू। ये जो नेम्स है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पे। तो ये जो मास प्लांट है ये कहाँ पे है एंड किसके बीच में, इंडिया के साथ किसके साथ हुआ है ये अग्रीमेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चाइना लॉन्चेस फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन टू मार्स, ठीक है। ये जो मार्स में चाइना ने फर्स्ट उनका जो इंडिपेंडेंट मिशन है उन्होंने लॉन्च किया है, कहाँ से लॉन्च किया है, वेनचैंग स्पेस लॉन्च सेंटर इन द सदर्न आइलैंड प्रोविंस ऑन हैनान। तो हैनान में से उन्होंने लॉन्च किया है। यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट है कि स्पेस लॉन्च सेंटर कहाँ पे है एंड कहाँ से ये लॉन्च किया है, एंड इंडिया सॉरी चाइना ने फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन यहाँ पे भेजा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तुर्कमेनिस्तान बिकम्स द 25th कंट्री विथ ऑब्जर्वर स्टेटस इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तुर्कमेनिस्तान 25th कंट्री बना है, किस टर्म्स में वो बना है कि एज द ग्रांटेड इट इज ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, मतलब कि इनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्जरलैंड, वहां पे इनका परमानेंट रेसिडेंस एक दिया जाएगा टू मॉनिटर इट्स प्रोसीडिंग्स। एंड ऑल्सो तुर्कमेनिस्तान लास्ट फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक है जो अल्टीमेटली ट्रेड, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इनसे टाई अप करने वाले लास्ट जो कंट्री है वो तुर्कमेनिस्तानी है जो सोवियत कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निकारागुआ बिकम्स द 87th कंट्री जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किए हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं, रविशंकर प्रसाद हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग विच इज होस्टेड बाय सऊदी अरेबिया। यहाँ पे क्या देखना है हमें, किसने होस्ट किया है ये जो G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग है, इसको किसने होस्ट किया है, सऊदी अरेबिया ने। किसको, कौन रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, रवि शंकर ने, ठीक है, यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ADB दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने GCF से टाइप किया है ग्रीन रिकवरी के लिए। ये ग्रीन रिकवरी क्या है, ये है एक आप बोल सकते हैं फार्मिंग के लिए जो प्रॉब्लम्स हुए हैं या फिर
पीपल इन जनरल, उन जो अफेक्टेड हुए हैं कोविड से, उनको हेल्प करने के लिए ये ग्रीन रिकवरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। टाई अप किस पे हुआ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये था एंड ये यहाँ से आपको और एक चीज जो याद रखना है वो है कि ये नेम जो है, ये प्रोजेक्ट को जो नेम दिया गया है, दैट इज ग्रीन रिकवरी, किसके बीच में हुआ है एंड क्यों हुआ है। ठीक है, तो ये था पार्ट वन ऑफ द वीकली करंट अफेयर्स डिस्कशन एंड विद दैट आई वुड लाइक टू रैप अप टुडेज सेशन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, do like and share and comment and subscribe to our channel. I will be back with the part 2 of the weekly current affairs discussion and thank you, take care, up until then.